हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से पपड़ी। ये पपड़ी आप चाट में भी डाल सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्टी पपड़ी कैसे बनता है। एक कटोरी गेहूं का आटा बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। आधा चम्मच नमक डाल दिए। कसूरी मेथी आधा चम्मच डाले। अजवाइन हाथ में लेके क्रश करके डाल देंगे आटे में, इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है। मंगरेल चौथाई चम्मच डालें। दो चम्मच ऑयल डालें। आप चाहें तो घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब इसका मोयम करेंगे। हाथ से इस तरह से मिला लेंगे और मसल मसल के इसका मोयम करेंगे। मोयम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा पपड़ी बन के रेडी होगी। हाथ में आटा लेके मुट्ठी बांधे, मुट्ठी बंध रहा है यानी मोयम अच्छे से हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा का टाइट सा डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से अंदाज लगता है कि आटे में कितना पानी चाहिए। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह पपड़ी के लिए भी आटा गूंथेंगे। इस तरह से मसल मसल कर आटा को गूंथ लिए। अब इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गया। अब इसे एक बार अच्छे से और मस लेंगे। आटा को रेडी करने के बाद इसका लोई तोड़ेंगे। इस तरह से इसका हम लोई बना लिए। अब हाथ में लेके अब इसका चिकना सा लोई बनाएंगे। इसी तरह सभी लोई को बना के रेडी करेंगे। अब एक लोई को लेके सूखा आटा लगा लिए और इसको हाथ से बढ़ाएंगे। हाथ से बढ़ाने से अच्छे से आसानी से रोटी बेल जाती है। अब चौके पे रख के बेलन लेके इसको बेल लेते हैं। इसी तरह एक बड़ी सी रोटी बेल के रेडी कर लिए हैं। रोटी पतली है। अब एक गिलास या कटोरी लेंगे, उसमें सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से काट लेंगे। गिलास को घुमा घुमा के ये रोटी का छोटा छोटा रोटी काट लेंगे। अब फॉर्क की सहायता से सब में होल करेंगे। सब में होल हो गया। आप तो चाकू से भी होल कर सकते हैं। अब इसका जो किनारा है इसको हम हटा लेते हैं और इसको हम बाद में बना सकते हैं। सभी लोई का पपड़ी बेल के काटा चम्मच से होल करके प्लेट में रख लिए। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, इसमें ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया। गैस का फ्लेम मीडियम है। अब इसमें एक एक पपड़ी को उठा के डालते जाएंगे। जितना पपड़ी अटेगा ऑयल में डाल देंगे, बाकी का अगले बैच में फ्राई करेंगे। पपड़ी को डाले हुए 2-3 मिनट हो गया। अब इसे घुमा लेंगे और पलट लेंगे। सभी पपड़ी को उठा उठा के पलट लेंगे। सभी पपड़ी फूल के ऊपर आ गई हैं और अलग अलग अच्छे से हो गई हैं। पलटने में भी आसानी से पलटा जा रही हैं। अब इन्हें अलट पलट कर फ्राई करना है। पपड़ी फ्राई हो गई। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से स्ट्रेनर में निकालने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो छन के नीचे गिर जाता है कढ़ाई में। सभी पपड़ी फ्राई होके रेडी हैं। ये खाने में लाजवाब होती हैं, झटपट बन भी जाती हैं। इस तरह से आप गेहूं के आटे से घर में पपड़ी बनाएंगे तो बाज़ार से पपड़ी लाना भूल जाएंगे। आप किसी खास मौके पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप भी गेहूं के आटे की पपड़ी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।